हेलो गाइस, मैं इंद्रजीत आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए व्लॉग में। तो आज हमारे यहां पर वैक्सीन का कार्यक्रम किया जा रहा है, वैक्सीन, आधार कार्ड, वोटिंग आईडी कार्ड, तो मतलब ये बनाया जा रहा है। तो जो जो मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आसपास हैं यहाँ पर सेक्टर 86 में, तो वो यहाँ पर आके क्या करवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, और क्या करवा सकते हैं, आधार कार्ड, मतलब बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है और कब तक होगा, ठीक है। तो होपफुली आप सब आना, मतलब जिन जिन का मतलब वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें भी आना है, अपने घर वालों को लेके, मम्मी पापा बहन भाई, जिनको जिनके नहीं लगी है उनको सबको आना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको कहाँ पर वैक्सीन लग रही है। हमारी गौ माता, ये हमारी दादी है, ये हमारी दादी हैं, ठीक है। ये वैक्सीन लगवा नहीं है, यहाँ भी पहले लगी नहीं थी चाय। तो भाई यहाँ पर ये देख लो, ये मतलब इसके अंदर यहाँ पर मैं देखो दिखा देता हूँ, ये चीज है, ठीक है। चलो अब अंदर लेके चलता हूँ आपको, देख लो ये सब भीड़ लगी हुई है। हमारी बुआ, ठीक है, नमस्ते जी। ये हमारा भाई सन्नी, ये भी वैक्सीन लगवाना आया। तो मैं दिखा देता हूँ, मतलब देखो यहाँ पर काम चल रहा है वैक्सीन का। तो हमारी बुआ बताएगी, बुआ कितने दिन तक कार्यक्रम है यहाँ पे? कोशिश तो ये है कि इसको हम आने वाले 3-4 संडे तक रेगुलर करें। संडे संडे इसलिए करते हैं बिकॉज सबकी छुट्टी होती है, सब अवेलेबल है, और जिनकी जो जो भी अब आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वैक्सीनेशन है, आपको पता है भारत में दस्तक दे दी है हर लहर ने। तो हमारा प्रयास है कि हर घर में हर बच्चा, हर बड़ा, जो 18 साल से ऊपर है उसको ये वैक्सीनेशन पहुँचे। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कृपया करके जरूर लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं यहाँ आकर। धन्यवाद। हर संडे है ना वो? ये हर संडे है, तो कोशिश की जाए, मतलब सैटरडे से हो, सैटरडे छुट्टी नहीं है, ओनली संडे। संडे टीम की छुट्टी नहीं है, हमारे वॉलंटियर की छुट्टी नहीं है, इसलिए हम संडे को रखते। तो इसका कोई चार्जेस लग रहा है क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। आप वैक्सीन करवाइए, आप आधार कार्ड बनवाइए, वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, पेंशन बनवाइए, राशन कार्ड बनवाइए, कोई भी सुविधा चाहिए आपको आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भाइयों देख सकते हो आप कि यहाँ पर मतलब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। पेंशन भी बनवा सकते हैं, जिन बुजुर्ग आदमियों की पेंशन नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो भी काम करा सकते हैं। वैक्सीन वैक्सीन भी लग रही है, वैसे भी मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये सिर्फ ओनली संडे संडे हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी जो मतलब संडे को मोस्टली 98% बंदों की छुट्टी होती होती है, कोई एक आधा दुखा होता है जिसकी नहीं होती है, जैसे पुलिस लाइन में हो गया, आर्मी में हो गया, उनकी छुट्टी नहीं होती है, मोस्टली सबकी छुट्टी है। तो आके भाई यहाँ पर एक बार जरूर आए, वैक्सीन लगवाए, और जो आपके घर में बुजुर्ग हो आस पास के, उनकी हेल्प करें, फिर पेंशन नहीं मिलती हो तो वहाँ यहाँ पर लाएं। ये है सेक्टर 86 नहर पार, श्री राम इंक्लेव के नाम अपोजिट पेंसिल पारा। तो उसके आसपास आप आके यहाँ पर पता कर सकते हो। मैं पेंशन में नंबर डाल दूंगा, यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ वो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मिल सकते हो आगे। ये हमारे अंकल जी हैं, ये वैक्सीन लगवाने आए अंकल जी। आप वैक्सीन लगवाने आए अंकल? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देख लो अंकल भी वैक्सीन लगवाने आए, तो जरूर भाई आपके आस पड़ोस में जो भी हो जरूर आए, लेके आए सबको, वैक्सीन लगवाए। और मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, तब तो यहाँ पर क्यू आर जी की तरफ से मतलब ये फॉर्म है, तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता अपना वर्क करते हुए, ठीक है। तो भाई देख लो, यहाँ पर मतलब ये किस चीज का हुआ, ये वैक्सीन का कार्यक्रम हो रहा है ना यहाँ पे? आप जो कार्य, ये वैक्सीन डेक्स है, ठीक है, कोविशील्ड है, पहली बता रहे हैं आपको, देख लो, सुन लो, कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन है वो जो लगाई जा रही है, फर्स्ट डोज
और सेकंड डोज, ठीक है। तो मैं आप दूसरे उस पर टैक्स पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर मतलब क्या वर्क किया जा रहा भैया? वो भी नैप पे हम सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, वैक्सीन वेरीफाई कर रहे हैं सर्टिफिकेट से। तो यहाँ पर देख लो कोविशील्ड के मतलब को भी वैक्सीन की कोई ऐप है उस पर ना मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि आपकी डोज लग चुकी है, ठीक है। ये वो काउंटर है, वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ पर आना है। ये हमारे परवीन भैया काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया जा रहा भैया? आधार कार्ड अपडेशन, न्यू आधार कार्ड, एनरोलमेंट, एवरीथिंग। मतलब यहाँ पर आधार कार्ड, पेंसिल बनाई जा रही है और वोटर आई डी कार्ड। अभी वो बंदा आया नहीं वोटर आई डी कार्ड, ये हमारे भाभी जी, ठीक है। तो अंदर चलते हैं। जी मैडम, है मैडम तो फेसबुक पर काम, इतना अच्छा काम कर रही है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट भी आते हैं? थोड़ा सा फीवर। तो उसमें क्या किया जाए अगर कोई ड्रिंक वगैरह करता है उसके लिए? किसी को आता है, किसी को फीवर नहीं आता। अगर फीवर आया तो वही देख लो, जल्दी जल्दी करें, जल्दी आए। नमस्कार जी, मैं शालिनी मेहता, पालनगढ़ जन कल्याण ट्रस्ट से, जो फरीदाबाद हरियाणा में है। हम लोग समय समय पर इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ लोकल पार्षद हैं नरेश पार्षद जी, विधानसभा नरेश जी कहते हैं हम लोग को, पार्षद जी हैं जो, और विधानसभा 89 से, उनके साथ मिलकर समय समय पर इस तरह के कैंप लगते रहेंगे। मेरी सबसे विनती है कि पालनगढ़ जन कल्याण ट्रस्ट में जुड़ें और इस तरह की जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो हमसे आगे रजिस्टर्ड हों, और कोशिश करेंगे कि हर सर्विस के लिए उनको फ्री, कोई पैसा ना देना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इसमें मेरे साथ कुछ लोग हैं, हमारे जगवीर जी हैं यहाँ से प्रधान, जो प्रधान साहब जगवीर जी हैं हमारे साथ, हमारे प्रधान साहब जगवीर जी हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी वॉलेंटियर काम कर रहे हैं अभी, और सब हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी यही विनती है कि भारत में बहुत तेज़ी से वैक्सीन, जो नया वायरस आया है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि हर 18 साल से ऊपर का इंसान वैक्सीन पहली और दूसरी डोज दोनों कंप्लीट कराए, ये 90% कारगर है आने वाले नए वायरस से। धन्यवाद। ये कुछ जनता नंबर लगा के बैठे, आप अपना नंबर का वेट कर रहे हैं। तो अभी आपने अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, टोकन नंबर वगैरह कुछ लिया? मतलब अंदर भेज रहा का आपने कोई? Thank you.